कपकोट के भुरकोटी नाले में 2 करोड़ की लागत से बाढ़ सुरक्षा का कार्य जल्द शुरू होगा। विधायक सुरेश गड़िया ने बाढ़ सुरक्षा के कार्य का भूमि पूजन किया है। यहां बता दें कि भुरकोटी नाले से लगातार हो रहे भूकटाव के कारण लोगों के घरों को खतरा उत्पन्न हो रहा था तथा उपजाऊ जमीन भी क्षतिग्रस्त हो रही थी। इस नाले में बाढ़ सुरक्षा के उपाय किए जाने की मांग बीते लंबे समय से की जा रही थी। विधायक सुरेश गड़िया द्वारा भूमि पूजन किए जाने के साथ ही भुरकोटी नाले के आतंक से निजात मिलने की उम्मीद जागी है। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे भुरकुटी नाले का बाढ़ सुरक्षा की जो दीवार है उसका भूमि पूजन किया गया, जिसमें हमारे माननीय श्री सुरेश गड़िया जी व साथ ही नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री गोविंद बिष्ट जी भी मौजूद थे। यह योजना हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा पूर्ण की गई है, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और साथ ही हमारी जो क्षेत्रीय जनता है उनको भी बहुत लाभ मिलेगा इस योजना से, यह मेरा आश्वासन है। जनपद बागेश्वर के विकासखंड कपकोट के अंतर्गत भुरकोटी नाले का, जिसकी अनुमानित लागत जो है 200.08 लाख रुपया है, का भूमि पूजन माननीय विधायक श्रीमान सुरेश गड़िया जी द्वारा यहाँ पर किया गया। मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस नाले में जो है जो भी कार्य लोग होंगे वो जो है पूर्ण गुणवत्ता के साथ किए जाएंगे, और मैं इस भुरकोटी नाले के समीप जो भी ग्रामवासी निवासी हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग सहयोग की भावना से हमें पूरा सहयोग करेंगे और कार्य की गुणवत्ता बनाने में अत्यधिक संपन्न में हमारा सहयोग करेंगे। आज भुरकोटी नाले का भूमि पूजन हमने किया है, 2.08 करोड़ रुपये इसमें सेंक्शन हुए हैं, तो मैं माननीय उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि ये 2.5 दशक से लोग यहाँ पीड़ित थे और जब भी बारिश आती थी लोग घरों से बाहर निकलकर लगातार नाले की को ही देखे रहते थे ताकि कब नाला कम हो और कब हम चैन की सांस लें। तो इस काम को करने के लिए मैं लगातार प्रयासरत रहा और मैं यहाँ के सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता जगत सिंह बिष्ट जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो लगातार जहाँ भी हमने उनको भेजा और वो वहाँ गए और सकारात्मक पहल हमने की है और सकारात्मक पहल के साथ पैसा स्वीकृत तो हुआ है। और मुझे यकीन ही नहीं, पूरा आशा है कि जो उद्देश्य के साथ हमने पैसा स्वीकृत किया है कि जो लोग पीड़ित हैं उन लोगों का कष्ट दूर होगा और उनको चैन की सांस के साथ आराम से वो आगे के दिनों में अपने घर परिवार को सुरक्षित रखते हुए और आराम से रह पाएंगे। और हमारा प्रयास है कि हम नई टेक्नोलॉजी के साथ इस नाले का मजबूताई के साथ निर्माण करेंगे, और मैंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि यहाँ पर जो भी कमी होगी तो उसको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास सामूहिक रूप से किया जाएगा, ताकि हमारे नगर कपकोट को एक बार सुरक्षित करते हुए व्यवस्थित करते हुए एक सुंदर कपकोट बनाने का प्रयास चालू है। तो इसमें आने वाले दिनों के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी नाले हैं वो कैसे नदी तक पहुँचे और कैसे वो सुव्यवस्थित तरीके से हम उस पानी को नदी तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर सके। तो उसमें नगर पंचायत गरुड़, नगर पालिका बागेश्वर और नगर पंचायत कपकोट के लिए एक ड्रेनेज सिस्टम हमने बनाया है, उसमें 9 लाख रुपया सर्वे के लिए कपकोट नगर पंचायत के लिए, 10 लाख रुपया सर्वे के लिए नगर पालिका बागेश्वर के लिए और 9 लाख रुपया सर्वे के लिए नगर पंचायत गरुड़ को सरकार द्वारा मुक्त करा दिया गया है और जल्दी ही उसके टेंडर हो जाएंगे और सर्वे की टीम यहां आकर एक बार विस्तार से सर्वे कर उसको सुव्यवस्थित करने का काम करेगी, और जहां कमी होगी उस कमी को हमारे यहां के सभी जनप्रतिनिधिगण उसको मिलजुल कर अपना सहयोग सुनिश्चित करेंगे। और मैं आम जनता से अपील करता हूं कि जहां कहीं पर भी विकास के कामों में अगर किसी का छोटा मोटा अगर कहीं ज़मीन आती भी है तो उसको भी लोगों के द्वारा समाज के हित के लिए, समाज को अच्छा करने के लिए उसको भी लोगों ने ज़मीन को विकास के लिए देना चाहिए, ताकि हम सुव्यवस्थित विकास कर सकें और यहाँ के जो कष्ट हैं उनको दूर करने का प्रयास कर सकें। CCN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।